अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह से जैसे कि आप सबको मालूम है कि सफाई सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो आज मैंने बेडशीट भी सारी चेंज करनी है क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे, उसके बाद बाकी सारी सफाइयाँ होती हैं। जैसे हम रोज़ अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने बच्चों को कपड़े चेंज करवाते हैं, तो इसी तरह हमने अपनी बेडशीट को भी ना जल्दी जल्दी चेंज करवा लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा अरसा जो है ना, ज़्यादा दिन इसमें इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे तो जो डेड सेल हमारे इसमें गिरते रहते हैं और उसी में दोबारा हम सो जाते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जितना हो सके ना कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं छोड़ने चाहिए ना बेडशीट। उससे पहले पहले हो सके तो दो चार दिन, 4 दिन के बाद ना, आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ हैं तो जितना जल्दी जल्दी हो सके तो बेडशीट चेंज कर लेना चाहिए। तो अपने बेड की भी चेंज कर ली है, मैं और मेरी बेटी हम इसमें सोते हैं और ये मेरे बेटे का बेड है, तो बच्चे का भी चेंज करेंगे, इसका भी बेडशीट चेंज कर दूँगी। दोनों का एक साथ ही मैं चेंज करके ना तो फिर उसको वॉश करवा लेती हूँ। तो बेडशीट का ये होता है ना कि अगर ज़्यादा बेडशीट हो तो फिर तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जब भी बेडशीट लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है क्योंकि इस तरह लूँ ना कि वो बार बार स्लिप हो के तो ख़राब ना होना, तो दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा ठीक करना पड़े, सही करना पड़े तो फिर तो सही है, लेकिन बार बार जब भी बच्चे बैठे और वो स्लिप होना शुरू हो जाए तो इस तरह की बेडशीट कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो बस सुबह से ना अगर मैं बेडशीट सेट कर लेती हूँ, हम उठ जाते हैं, रोज़ाना तो मैं चेंज नहीं करती लेकिन सेटिंग करके ना तो सारा दिन बिल्कुल सही रहती है, रात तक, रात को भी सही रहती है। बस सुबह सुबह सिर्फ इसकी सेटिंग करती हूँ, लेकिन अगर वो बिल्कुल काटन वाली पतली सी चादरें होती हैं ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ना दूध में लेती हूँ 2 दिन का, और दूध में हमेशा जो है ना मैं इलायची डालती हूँ, वो इसलिए क्योंकि बच्चों ने भी दूध पीना होता है, ख़ुद भी पीती हूँ, और फिर चाय वगैरह भी जब हम इसमें बनाते हैं ना तो चाय बनाते वक्त तो हम इसमें इलायची डाल सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभार भूल भी जाते हैं तो भी चाय हमारी अच्छी बन जाती है, ज़ायक़ा अच्छा आता है। लेकिन अगर हमने पीना हो तो वो तो हमें दोबारा नहीं उबालना होता, एक ही दफ़ा उबाल के ना मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि बच्चों को देते हैं ना तो बच्चों को भी इसका जायका अच्छा लगता है, अगर ख़ुद पीना हो तो तब भी इसका जायका ना बहुत अच्छा लगता है इलायची का। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, दूध में कभी आप इलायची नहीं डालते तो आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अगर इसका जायका अच्छा लगा ना तो इसके बगैर आप कभी भी नहीं रह सकेंगे। फिर मैं भी हमेशा जब भी दूध उबालती हूँ, तो अब तो मैं आदी हो गई हूँ, जब भी उबालती हूँ तो उसमें मैं इलायची ज़रूर डालती हूँ। तो सुबह उठते ही ना काम तो बहुत सारे होते हैं घर के, लेकिन अगर तरतीब से हम करते हैं ना तो हमें काफ़ी सारी आसानी भी होती है, हमारे सारे के सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ भी दूध भी उबल गया, और जब भी दूध 2 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ ना तो वो अक्सर ना गिर जाता है, तो इसी वजह से दूध जब भी उबालती हूँ तो हमेशा मैं उसके पास ही खड़ी हो जाती हूँ। तो जब भी हमें जो है ना दूध पीना होता है ना तो एक तो इसका अपना इलायची का जायका इतना अच्छा आता है ना कि पीने का दिल भी करता है, बच्चे भी खुद जो है ना, अगर इलायची किसी दिन अगर मैं ना डालूँ, अक्सर ख़त्म हुई हुई होती है तो फिर ना बच्चे शौक से नहीं पीते, अगर पी भी लेते हैं तो आधा उससे छोड़ देते हैं कि नहीं हमारा दिल नहीं करता, तो इसका जायका ना बहुत ही अच्छा लगता है। अपने कामों को, रोज़मर्रा के कामों को ना अगर हम समझदारी से करना चाहें तो हमारे लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाती है, और थोड़ी सी टाइम में ना हमारे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। यहाँ भी फ्रेंड मैं आपको ना कपड़ों के मुतल्लिक कुछ ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वैसे भी ईद के दिन आ रहे हैं तो सब ने नए कपड़े लिए होंगे या सिलवाए होंगे, तो इसके लिए ना ये कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कपड़े ना पुराने नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे जल्दी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। ये मैंने ली थी कुछ दिन पहले और ये मैंने बहुत सस्ती ली है, बहुत महंगी मैंने नहीं ली है, ये मुझे 1000 रुपये का एक शर्ट का कपड़ा मिल रहा था ना, तो मैंने दो, मतलब पूरा सूट मैंने ले लिया 2000 में ना, तो इसको मैंने खुद ही सिलाई कर दी है, क्योंकि अगर मैं दर्जी को देती हूँ ना, ज़्यादातर मैं दर्जी को भी देती हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से घर में काम काज काफ़ी सारे होते हैं तो बस इस वजह से ना दे देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ना कभी पसंद नहीं आती सिलाई क्योंकि मुझे खुद आती है सिलाई। इस दफ़ा मैंने सोचा कि बहुत मुश्किल होगी लेकिन मैं खुद करूँगी इसकी सिलाई।
तो ना इतने सारे दिनों में ना ये मैंने सिर्फ 3 सूट मैंने तैयार कर लिए हैं। और इसका ना ये है कि जब मैं इसको लेके आई थी तो तब मैंने इसको मतलब सबसे पहले तो मैंने इसको शेलिंग कर लिया। इसका ये जो कलर है ना, ये कलर इसका हमेशा ही रहेगा, ये पुराने हो जाएंगे, पट जाएंगे, लेकिन इसका कलर ज़रा भी चेंज नहीं होगा। पता है क्यों? ये नहीं कि ये बहुत महंगे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के, इसलिए इसका कलर ख़राब नहीं होगा। बात ये है कि जब मैं इसको लेके आई थी और इसको मैं शेलिंग कर रही थी, तो सबसे पहले शेलिंग करते वो जो हम एहतियात करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे कपड़ों का कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। ये लॉन के कपड़े हैं और लॉन के हमेशा जब भी 1 से 2 दफ़ा हम धोते हैं ना, इसके कलर जो है ना डल हो जाता है। तो इसको ना जब मैं शेलिंग कर रही थी तो मैंने इसमें नमक डाल लिया था, और फिर उसके बाद शेलिंग करके मैंने इसकी सिलाई की। सिलाई की बात भी ना, हमें एक टिप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना चाहिए इसको हमेशा, और मैं हमेशा इस तरह ही करती हूँ। अगर हम कपड़े दर्जी को देते हैं ना सिलाई करने के लिए, तो तब भी पहनने से पहले, अगर जाहिर है हम मुसलमान हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो हमें इन कपड़ों को ना वाश ज़रूर कर लेना चाहिए। तो अगर हम खुद सिलाई करते हैं तो तब भी इसको वाश करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने सिलाई तो खुद की है, लेकिन फिर भी पहनने से पहले ना मेरा दिल मुतमईन नहीं है, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी वाश करके पहनूँ। नमाज़ वगैरह हमें पढ़नी होती है, ये मैंने गर्मियों के कपड़े लिए हैं, तो गर्मियों के कपड़े हमारे जितने हल्के फुल्के हो ना, तो उतनी ही हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं, हमें ज़्यादा हम सुकून में इसमें रहते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके लॉन और काटन के कपड़े ना आप ज़्यादा अरसा चलाएं और वो ख़राब ना हो जल्दी, तो जब भी आप धोएंगे ना, कभी भी आप वॉशिंग मशीन में ये वाले कपड़े कभी भी ना धोया करें। आप इसको खुद ही ना हम हेल्पर से धुलवाते हैं तो तब भी वो बिल्कुल रफ जो है ना, मतलब वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे धो लेते हैं। तो आप ना इनको कोशिश करें कि खुद ही धोया करें। और इसको हाथों से हम धोते हैं ना, तो और इसको निचोड़ते वक्त हम इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से ना निचोड़ें, ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हम मुसलसल इसको इस तरह निचोड़ते रहेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी पट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसको ना, ये ड्राई हो गई है, मैंने पहले इसको धो लिया, अब मैं इसको इस्त्री कर रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ इसको मैं ईद में सबसे पहले पहनूंगी, क्योंकि ईद वैसे भी बहुत नज़दीक है, और उसके बाद मैं इसमें घर में पहना करूँगी, क्योंकि ये मैंने घर के लिए लिए है, लेकिन नए कपड़े हैं तो ईद में पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी गर्मियों में हम कोई काम वाले या कोई भारी सूट नहीं पहन सकते, और वैसे भी हमें कोई इतना ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं होता। तो हमारे घर के लिए जब भी मैं कहीं ईद के लिए इस तरह कोई कपड़े लेती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मौसम के हिसाब से लूँ, ताकि उसको मैं घर में इस्तेमाल कर सकूँ। तो कपड़े मैंने बच्चों के भी तैयार कर लिए, अपने भी कर लिए, इसको मैंने वॉश भी कर लिया। अब इसको प्रेस करके ना, तो मैं अलमारी में इसको लगा दूंगी, और फिर जो है ना जब पहनने होंगे ना, तो मुझे इसकी ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बाकी भी काफ़ी सारे काम होते। तो इस तरह के काम ना हमें टाइम निकाल करना, इसको वक्त पर, हर काम को ना वक्त पे हम करेंगे, तो हमें ना हमें जल्दी नहीं होगी, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी नहीं होगी कि हमारा वो काम भी रह गया, ये काम भी रह गया। तो हर काम को अपने टाइम पे कर लिया करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी और हम सुकून में रहेंगे। गर्मियों के कपड़े का ना, जब मैं किसी और से सिलवाती हूँ या मैं खुद भी सिलाई करती हूँ ना, तो इसका गला मैं थोड़ा सा छोटा रखती हूँ और इसको सिंपल रखती हूँ। बाकी मैं जितनी भी डिज़ाइन बनाऊँ, लेकिन गले में ना गर्मियों के कपड़े में मैं कोई बारी गला नहीं बनाती। वो इसलिए क्योंकि एक तो गर्मी भी जो है ना बहुत ज़्यादा लगती है उसमें, फिर और अगर छोटा हो ना थोड़ा सा, तो अक्सर गर्मियों में ना हम दुपट्टा नहीं करते, तो इसलिए ना गला थोड़ा सा छोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।